नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। अभिनेता अनुपम खेर की आने वाली फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। इस फिल्म को लेकर मुजफ्फरपुर की कोर्ट में याचिकाकर्ता सुधीर ओझा ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि इस फिल्म के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपमानित किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अभिनेता अनुपम खेर, अक्षय खन्ना, फिल्म के निर्माता और निर्देशक समेत 14 लोगों पर केस दर्ज कराया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हो रही है। याचिकाकर्ता सुधीर ओझा ने कहा है कि इस फिल्म के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव और मायावती को अपमानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ट्रेलर लॉन्च के बाद विवादों में आ गई थी। फिल्म के कंटेंट पर महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अलीगढ़ यूनिट ने मांग की थी कि बढ़ते विवाद को देखते हुए अनुपम खेर और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की टीम को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ट्रेलर पर बढ़ते विवादों के बाद अनुपम खेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी सवालों के जवाब दिए थे। खेर ने कहा था कि मूवी को संजय बारू की किताब में लिखे गए तथ्यों के आधार पर फिल्माया गया है। हमने मूवी सेंसर बोर्ड को दिखाई और फिर वहां से ओके होकर आई, इसलिए अब मूवी किसी और को दिखाने का मतलब नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।